सदगुरु कबीर कहते हैं, होए निःशंक मगन होए नाच्यो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, इस दुनिया में निःशंक होकर के सारे संदेहों और भयों को छोड़कर खुल करके नाचो। लेकिन खुलकर नाचने की शर्त है लोभ मोह और भ्रम को छोड़ना। जो व्यक्ति लोभ मोह और भ्रम को छोड़ नहीं सकता वह निःशंक नहीं हो सकता और खुल करके नाच नहीं सकता। साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर की एक साखी है, खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। संसार में खुल करके खेलो और इस प्रकार से खुल करके खेलो कि तुम्हें कोई बांध न सके। जिसके सिर पर पोटली ही नहीं है, गठरी ही नहीं है, जगाती घाट लेने घाट पर चुंगी लेने वाला, उसे रोकेगा क्यों? रोकता तो तब जब पास में कोई गठरी होती, कोई सामान होता। यहां भी साहब खुल करके खेलने को कहते हैं, किंतु खुल करके खेलने का अर्थ उद्दंडता पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, मनमानीपना नहीं है। खुलकर खेलने का अर्थ अपने से जो बड़े हैं उनका हेलना करना नहीं है, किंतु उनकी ही आज्ञा में रहकर, उनकी ही देखरेख, उनकी संरक्षण में रहकर इस प्रकार से व्यवहार करना, काम करना कि जीवन में कभी कोई गलत काम ना होने पाए। गलत काम जहां हुआ बस बंधन आया, बांधने वाले मिल जाएंगे। बाहर बांधने वाले मिले या ना मिले, भीतर तो मिलेगा मिलेगा, हमारा मन तो बांधता चला जाएगा। बांध ना सके कोई, साहब कहते हैं तुम्हारे जीवन में कोई दाग ना लगा सके। बिना दाग के कोई कहता है गलत काम नहीं किए, फिर भी कोई बुराई करता है तो करने दो। खुल करके खेलने का अर्थ होता है न्याय से, नीति से, नियम से, मर्यादा से, सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, सेवा और भक्ति के रास्ते पर चलना। इसके पश्चात कोई तुम्हारी बुराई करता है तो करने दो, उसकी परवाह भी मत करो। न्याय, नीति और ईमानदारी के रास्ते पर निशंक होकर वही चल सकता है जो निंदा और प्रशंसा की परवाह करना छोड़ देता है। हमारे बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं ये सोचो ही मत। जिसको जो कहना है कहने दो, बस इतना ध्यान रखना है हमको कि हमारे द्वारा किसी का किसी प्रकार अहित न होने पाए। बस न तन से, न मन से, न वचन से। जो तन मन वचन से
किसी का किसी भी प्रकार से अहित नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार वही सच्चा संत होता है। तन कृत मन कृत वचन कृत काहू दुष्ट नाय, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। गोस्वामी जी कहते हैं जो तन से मन से वचन से किसी को दोष नहीं देता, किसी साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, ऐसे संत दुनिया में चलते फिरते राम भगवान राम के समान हैं, प्रत्यक्ष भगवत मूर्ति हो। और ऐसा कोई भी हो सकता है, साधु गृहस्थ की बात नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। जिसके तन मन वचन के पाप मिट गए वही तो साधु, वही तो महात्मा, वही तो भगवान। कौन कहाँ रहता है कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे कपड़ा पहनता यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तन मन वचन के सारे पापों का, सारे गलत कर्मों का त्याग, तन मन वचन की निर्मलता। जिसके तन मन वचन निर्मल है वो भगवत रूप है। भगवान का अर्थ ही होता है निर्मलता, भगवान का अर्थ ही होता है पवित्रता। तो ऐसा जो जीवन जिएगा उसे बांधेगा कौन। इले सदुर कहते हैं खुल खेलो संसार में, संसार में खुल करके खेलो, निर्भय होकर के काम करो, इतना न्याय नीति से चलो कि तुम्हें कोई बांध ना सके। कहां कहीं तुम्हारा मन भयभीत न होने पाए। घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए, पोट पोटली गठरी सामान, जगाती चुंगी लेने वाला। घाट कहते हैं जहां से नदी को पार किया जाता है। सदुर कहते हैं यदि तुम्हारे पास कोई माल सबाव ही नहीं है, कोई सामान ही नहीं है, तो चुंगी लेने वाला तुम्हें रोकेगा ही क्यों, खाली हाथ चले जाओ, ये सामान क्या है। आसक्ति, लोभ, मोह, गलत कर्मों के संस्कार, यही समान है। और यदि यह है तो यमराज रोक लेगा, फिर कल्याण के धाम में प्रवेश नहीं कर पाओगे, मुक्ति धाम में प्रवेश नहीं कर पाओगे, फिर तो चुंगी देना ही देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जीवन जिए, ऐसा काम करें, खुल करके डूब करके काम करें, किंतु निष्काम होकर के, अपेक्षा रहित होकर, जो बन सके लोगों की सेवा करें, प्रेम का व्यवहार करें, किंतु चाहना रहित होकर के। चाहना रखेंगे तो हमें बांधने वाले मिल जाएंगे, लोभ रखेंगे तो बांधने वाले मिल जाएंगे। सेवा करो न लोभ न चाहना, फिर बांधेगा कौन, फिर चुंगी किसकी देनी पड़ेगी, दुख किसका होगा। वही बात साहब यहां कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाश्यो, निशंक होकर के, संदेह रहित होकर के, मगन होकर के नाश्यो। संदेह रहित होना बहुत बड़ी बात है। आदमी को तो पदे पदे संदेह होता है। तीन प्रकार के संदेह, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक संदेह क्या है,
दुनिया कैसे बनी। मैंने कहा था सुबह दय मतलब प्राकृतिक शक्ति, दुनिया कैसे बनी, कौन चला रहा है, नियम से सूरज उगता है, नियम सस्त होता है, सूरज उगते ही रात होती है, रात के बाद दिन होता है, ऋतुएं एक के बाद एक ऐसे आती रहती है, ये सब चलाने वाला कौन, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। दुनिया की हकीकत को देख करके संदेह होना क्यों होता है, ये प्रकृति के नियमों को न समझने के कारण, तत्वों के गुणधर्मों को न समझने के कारण, प्रकृति की जो कारण कार्य व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को न समझने के कारण। यदि हम ये समझ लें कि प्रकृति में एक ऑटोमेटिक नियम है, ऐसा थोड़े है कि कोई यहां से पानी भर कर ले जाता है, ऊपर से पानी को उड़ेल देता है तब वर्षा होती है, तो नियम है। हर समय सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बन रहा है, भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है, ऊपर चला जाता है, समय आता है, वाष्पीकरण होता है, जहां होता वहां बरस जाता है, इसमें ये तो नियम काम कर रहा है ना। इसमें किसी पानी नहीं बरस रहा है, अब ढोल नगारा पीट करके इंद्र को जगा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यदि यज्ञ करने से हवन करने से पानी बरसता तो भारत में कभी अकाल ना पड़ता, सौराष्ट्र के मरुस्थलों में, राजस्थान के मरुस्थलों में खूब फसल लहलहाती होती। यज्ञ करने से या पानी बरसने से कोई संबंध ही नहीं है। जब योग्यता होगी पानी अपने आप बरस जाएगा, चाहे कितना बरस रोक नहीं पाओगे, अयोग्यता नहीं होगी तो कितना भी इंद्र को मनाओ, देवी देवता को मनाओ, कितना क्या करो, कुछ पानी बरसने वाला नहीं, नियम है। तो प्रकृति का जो नियम है, तत्वों के जो गुणधर्म है, इसको हम नहीं समझते हैं ना, इसलिए संदेह होता है दुनिया के बारे में। इतना समझ लो थोड़े में, मैटर नित्य है, उस मैटर को आप परमाणु कहो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहो, तमाम जिस नाम से देना चाहो उस नाम से कहो, और कोई नाम ले लो, वो नित्य है, उसके नियम नित्य है। कोई भी भौतिक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, उसमें गति है और क्रिया है। भौतिक पदार्थ बिना गति और क्रिया के रह नहीं सकते, गति और क्रिया में ही संयोग होता है, संयोग से वस्तुएं बनती है, वियोग होता है, वस्तुएं बिगड़ जाती, बस इतना सा खेल है। भौतिक पदार्थों में गति डालने के लिए किसी ईश्वर का आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक। हम आग जलाते हैं, आग की लपट सदैव ऊपर की तरफ जाती है, क्या कोई भगवान बैठा है वहां ढकेलता हुआ है उसको ऊपर की तरफ, नियम है उसका। आग जब भी जलेगी लपट ऊपर ही जाएगी, धुआं ऊपर ही जाएगा, इसमें किसी देवी किसी देवता किसी भगवान की आवश्यकता क्या है, नहीं समझते हैं, इसलिए कल्पना कर लेते हैं कि कोई भगवान होगा बनाने वाला। समझ लें तो संदेह खत्म, आधि दैविक संदेह आधि भौतिक, भौतिक मतलब प्राणी, मनुष्यों पर संदेह, पति पर, पत्नी पर, पिता पर, पुत्र पर, भाई पर, पड़ोसी पर, रिश्तेदारों पर, मित्र पर, और उससे बड़ा क्या हो जाता है, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, रोग लगने पर दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रोज खाते आ रहे हैं जब से जन्म लिए तब से, लेकिन सोचते हैं कि आगे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों, एक तो अपने भाग्य अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है,
दूसरे अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, और तीसरे सांतों पर विश्वास नहीं है। विश्वास करना शुरू करो, विश्वास मिलेगा। खुद संदेह करते हो तो परिवार वालों से विश्वास कहाँ मिलेगा। हाथ पैर मारते रहो, खाने पीने की जिंदगी भर चीजें मिलती रह जाएगी। जरा सोचें, जब पैदा हुए थे तो कितने असहाय थे। आदमी का बच्चा पैदा होने पर जितना असहाय होता है, विवश और लाचार होता है, उतना किसी जानवर का, किसी पक्षी का बच्चा नहीं होता है। उसमें हमका आज तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, बुद्धि काम करती है, सब कुछ ठीक है ना। पैदा हुए तब क्या था, लेकिन पैदा हो हमारे पैदा होने के पहले ही या पैदा होने के साथ ही प्रकृति ने माँ के आंचल में दूध भेज दिया। क्या अपने लिए दूध की व्यवस्था करके पैदा हुए थे? क्या किया था उसके लिए बताओ तो। जब असहाय थे तब माँ का दूध मिल गया, तो आज तो हाथ पर चल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा आगे? प्रारब्ध साथ है, पुरुषार्थ साथ है, मिलता रहेगा खाने भरे का। सबसे अच्छी बात है अपने कर्म पर विश्वास। कर्म सही करो, बस कर्म सही रहेगा, भाग्य सही होगा, कोई नहीं होगा तो भी सेवा करने वाले मिल गए, मिल जाएंगे। आपका घर है, खेत है, खलिहान है, नौकरी है, व्यापार है, घर में रुपये पैसे रखे हुए हैं, जानवरों के पास क्या है? कुछ तो नहीं उनके पास, न खेत, न खलिहान, न बैंक बैलेंस, न रुपया, न पैसा, कुछ भी तो नहीं है। क्या जानवरों खाने के नहीं मिलता? जब उन्हें मिल जाता है, हमें क्यों नहीं मिलेगा? चिंता क्यों करते हैं? लोग कहते हैं महाराज, चिंता इस बात की होती है बुढ़ापा में पानी कौन पिलाएगा। अभी तो पी रहे हो ना, अभी पियो, पिलाओ, जब पिलाओगे तो पिलाने वाला मिल जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अपने भाग्य पर विश्वास रखो और साथ साथ अपने कर्म पर विश्वास रखो। आपका भाग्य, आपका कर्म साथ है, कोई नहीं होगा तो भी मिल जाएगा। और कर्म और भाग्य गलत है तब जो है वो अलग अलग चले जाएंगे। खुद गृहस्थ कहते हैं, महाराज हमारे कोई बाल बच्चे नहीं हैं, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा? साधुओं के कौन बाल बच्चे हैं, इनकी सेवा कौन करता है? क्या इनकी सेवा नहीं होती? जब इनकी सेवा हो जाती है तो आपकी सेवा भी हो जाएगी। और देख लेना गांव में कितने लोगों को बाल बच्चे हैं, माता पिता एक लोटा पानी भी नहीं पूछते हैं, रोटी भी नहीं देते हैं। हर गांव में मिलेगा आपको। तो उसकी चिंता मत करो, शादी हुई, बाल बच्चे हो गए, लिखाओ पढ़ाओ, योग्य बनाओ, उनके लिए व्यवस्था कर दो। नहीं है तो चिंता रहित होकर के भजन करो, सब मिल जाएगा। हमारे नहीं रहने पर हमारे धन को कौन लेगा? शुरू कर दो बांटना, इतने लोग आ जाएंगे लेने वाले ना, तो कम पड़ जाएगा शाम तक। अब मर जाओगे तो पता चलेगा कि आपके धन को आपके बेटा ने लिया है, आपके भतीजा ने लिया है, आपके शत्रु ने लिया है। मर जाएंगे तो बताना कि कौन लिया है। चिंता ही क्या बात करते हो हमारे आपके नहीं रहने पर। भैया दुनिया में देने वाले की कमी है, लेने वालों की कमी नहीं है, सब तैयार बैठे हैं। इसलिए वो धन की चिंता करो। संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया। जो साथ जाने वाला धन है ना, उसके लिए काम करो। मैं ये कह रहा था, भाग्य और कर्म दोनों साथ में है,
तो हर चीज मिल जाएगी समय से, और नहीं है तब आपको चिंता है कि हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, बुढ़ापा में मुख में पानी कौन डालेगा। राजा दशरथ के चार बेटे हैं, किस बेटे ने पानी डाला है दशरथ के मुख में? राम लक्ष्मण जंगल चले गए, भरत शत्रुघ्न नाना के यहाँ तड़प तड़प का मर गए दशरथ, एको बेटा काम आया क्या? कौन बेटा काम आया अंतिम समय में? दशरथ के कर्म ही खराब है तो भगवान ही क्या करेगा। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, निस्संदेह होकर के जो आज साथियों पर विश्वास करो, और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम करो, सेवा हो जाएगी। तो संदेह करना छोड़ दो। तीसरा संदेह होता है आध्यात्मिक, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार से मेरा संबंध कैसा है, मरने के बाद कहाँ जाएगा जीव? क्यों? क्योंकि जड़ और चेतन दोनों के गुणधर्मों का पता नहीं है अभी। मैं चेतन हूँ इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मन फंसा है दुनियादारी में, वहाँ से समय निकाल करके अपने आत्मस्वरूप को समझने का काम करते नहीं हैं। तो संदेह होता है, कर्म करते हैं गलत, सोचते हैं पता नहीं भगवान क्या करेगा। भगवान वही करेगा जो आपका कर्म होगा। और सच यह है कि आपके कर्म मेरे कर्म, मेरे कर्म मेरा भगवान, आपके कर्म आपका भगवान। मेरे कर्म गलत है तो मेरा जो कर्म है मेरे लिए शैतान बनेगा, और मेरा कर्म सही है, मेरा कर्म है भगवान बन जाए। हमारे कर्म को छोड़कर न कहीं कोई शैतान है, न कहीं कोई भगवान है। इसलिए किसी भगवान की पूजा करना छोड़ो करके कर्म शुभ करो, आदमियों की सेवा करो, अपने आप सब बढ़िया होता चला जाएगा। आध्यात्मिक संदेह इसलिए होता है कि अकेले बैठ करके कभी हम आत्मचिंतन का काम नहीं करते। गहराई से सोचना, सोचते जाएं, संतों की संगति करें, स्वाध्याय करें, ध्यान चिंतन में बैठें और आत्मचिंतन करें, आध्यात्मिक संदेह हो जाएगा। जब इस जन्म के पहले आप थे, आज हैं, तो जन्म के बाद भी रहोगे, मिट नहीं जाओगे। समझने की कोशिश करें तो संदेह मिटेगा। और आपको तारने वाला कोई बाहर नहीं बैठा है, आपको ही तारना होगा सही रास्ते पर चलकर, संदेह खत्म हो जाएगा। साहब कहते हैं होय निःशंक, संदेह रहित होकर के कैसे करो, सारा संदेह छोड़ करके मगन होए नाचो, मगन होकर के नाचो। तो नाचने का अर्थ क्या है? नाचने का अर्थ ये हाथ पर मटका करके नाचना नहीं है। एक निवेदन और, आजकल जमाना बहुत बदल गया है, टीवी है सब कुछ है, इसमें टीवी में तो तमाम लोग नाते कुत्ते रहते ही हैं। और जब टीवी में कुछ लोग नाते कूदते हैं तो आपके घर के छोटे बच्चे, आपका बेटा या बेटी या पोता या पोती, जो छोटे छोटे हैं, दो साल तीन साल चार साल, वो भी नाचते कूदते हैं, कहते हैं हमारा बेटा बहुत नाच रहा है, फिर वही बनेगा नाचने वाला, और आपको नचाएगा बुढ़ापा में। नचाओ मत उनको, सही सीख दो। ये सब टीवी देख करके या देख करके गलत संस्कार मत डालो बच्चों पर। जिस नाचने की बात यहां साहब कहते हैं, वो नाचना हाथ पर मटका कर नाचना नहीं है, अर्थ है मगन होए नाचो, मतलब मगन हो करके खुश होकर प्रेम पूर्वक जीवन का व्यवहार करो, लोगों से व्यवहार करो। बीजक साखी प्रकरण में साहब ने साखी कही इस पर, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी बदीन हो ताश को तन मन बोले सांस। ऐ कबीर, ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का
तुलना बना करके, लंबा अंगरखा बना करके पहनो और नाचो, तो प्रेम का तो कोई कपड़ा नहीं होता, तो उसको तुलना कैसे बनाओगे और पहनोगे कैसे, फिर नाचोगे कैसे। अर्थ साहब कहते हैं जो कुछ भी करना है जीवन में, हर काम को प्रेम पूर्वक करो और लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। किसी भी काम में थकान क्यों आती है, मन क्यों उबता है, क्योंकि हम वह काम प्रेम पूर्वक नहीं करते, समर्पित होकर के नहीं करते, इसलिए मन नहीं लगता, जल्दी थकान आती है, काम पूरा नहीं होता, बीच में अधूरा छूट जाता है, होता भी आधा तो अधूरा पूरा होता है, इसलिए परिणाम बढ़िया नहीं आता। इसलिए जो भी काम करना है, छोटे से छोटे काम लेकर के बड़े से बड़े काम तक, समर्पित भाव से, प्रेम से करें, तो हर काम पूजा बनेगा। कबीर साहब की पंक्ति याद होगी, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। अपने मन की भावनाओं को शुद्ध कर लो, अशुद्ध भावना मन में नहीं है, ईर्षा द्वेष घृणा बैर विरोध या अन्य और भावना मन में नहीं है, तो आपका आना जाना चलना फिरना जहां भी चलोगे सब परिक्रमा है। निर्मल मन, भावनाएं पवित्र, खेत जा रहे हो परिक्रमा हो रहा है, दफ्तर जा रहे हो परिक्रमा हो रही है, खलिहान जा रहे हो परिक्रमा हो रही है, बाथरूम भी जा रहे हो तो परिक्रमा हो रही है, भावना शुद्ध है तो आप कहीं भी चलते फिरते हो सब परिक्रमा, और किसी मंदिर की परिक्रमा तो कर रहे हो, भावना गलत है, लोभ है, लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, किसी के लिए विषय विकार की बात है, तो वो परिक्रमा काम नहीं आएगी। इस भ्रम में मत रहना कि हम इसकी परिक्रमा कर लेंगे, मंदिर में इतनी बार परिक्रमा करेंगे जितना हमें फल मिल जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा यदि भावना गलत है तो। मंदिर की परिक्रमा क्या है समझ लें, ये पूरी दुनिया ही भगवान का मंदिर है, और जितने नर नारी हैं सब भगवान हैं, तो कहीं भी आना जाना है तो पवित्र भावना लेकर के जाओ ना, पवित्र भावना लेकर के चलो फिरो, तो पूरी दुनिया भगवान का मंदिर, ये भाव रखना होगा। ऋग्वेद में विराट पुरुष का वर्णन आता है, जैसे गीता में भी विराट पुरुष का वर्णन आता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया था कहा जाता है, उससे बहुत पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष का वर्णन आता है और कहा गया है सहस्र शिरसा पुरुषा सहसा सहस्र पाद सब भूमि विसृतो वृत्ताद अधितिष्ठ दशांगुलम, एक मंत्र है ऋग्वेद का। वो जो विराट पुरुष है परमात्मा, उसके हजारों आंखें हैं, हजारों सिर है, हजारों हाथ पैर है, हजारों कहने का तरीका, असंख्य अनगिनत विराट पुरुष परमात्मा के सिर कितने हैं, अनगिनत सिर। अब अनगिनत सिर है तो अनगिनत हाथ पैर हो जाएगा। आप लोग रावण की मूर्ति बनाते हो दशरथ समय रावण जलाने के लिए, 10 सिर बना दिए और 20 हाथ, भाई तो जब 10 सिर है 20 हाथ है तो 20 पैर भी तो बनाकर रखो, लेकिन 20 पैर बन जाएगा रावण का तो चलेगा कैसे फिर,
रावण के एक ही सिर था, दो हाथ थे, दो ही पैर थे, 10 सिर नहीं थे। ये तो कहते कहते हो गया, 10 सिर हो गए भैया तो चलेगा कैसे? 10 आदमी जितनी बुद्धि रही है ये कह सकते हो। तो वहां प्रसंग यह है कि विराट पुरुष परमात्मा के अनगिनत हाथ पैर, अनगिनत सिर है। मतलब क्या है? ये जितने प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब की जो सामूहिकता है, सबकी जो समष्टि है, ये विराट पुरुष परमात्मा है। प्राणी जब प्राणी मात्र, अब कितने सिर होंगे, कितने हाथ पैर होंगे, कितने आंखें होंगी, कोई गणना कर सका है आज तक? हम मनुष्य की गणना करते हैं बस। पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं उससे ज्यादा कीड़े मकोड़े चींटी तो इस नवापारा में ही होंगे, कई गुना। ऋषि कहते हैं जितने भी प्राणी हैं छोटे बड़े, उस विराट पुरुष के हाथ पैर हैं। सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, और विराट पुरुष परमात्मा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो दुनिया में कहीं जाओ प्राणी मिल जाएंगे। अरे आदमी नहीं मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। कितना विशाल है वो परमात्मा। ये ऋग्वेद अनुसार से सगुण परमात्मा की बात है। विराट पुरुष परमात्मा के अनगिनत हाथ पैर, अनगिनत सिर, अनगिनत आंखें, सब कुछ विराट। अब वो पूरी दुनिया में फैला, मतलब पूरी दुनिया में प्राणी है। इसलिए प्राणी मात्र जो है भगवत रूप है, विराटपुर परमात्मा का रूप है। लेकिन अनुभव कहाँ होगा, साक्षात्कार कहाँ होगा? अतितिष्ठत दशांगुलम, दुनिया में सब तरफ फैल कर 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। और 10 अंगुल क्या है? जब पूरी दुनिया में व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कैसे होगा? 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा हुआ है? तो समस्त रूप में, सगुण रूप में पूरी दुनिया में प्राणी है, लेकिन व्यष्ट रूप में, अकेले अकेले में क्या होगा? 10 अंगुल ऊपर नाभि से है ना, 10 अंगुल नापो कहाँ आएगा? हृदय। नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में बैठा हुआ है वो। बाहर ये प्राणी है, भीतर निर्गुण हृदय में बैठा हुआ है। ये ऋग्वेद का कथन है, और कितना बढ़िया कथन है ये। इसलिए ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर, कहीं भी आए जाए चले फिरे, भावना पवित्र रख करके आए जाए चले फिरे, तो आपका सब कुछ परिक्रमा हो जाएगा, सब कुछ। जो कुछ करो तो पूजा, साहब कहते हैं जो कुछ करना है सब पूजा है, बस प्रेम चाहिए, सिर्फ सेवा की भावना, स्वार्थ और अहंकार छोड़कर सेवा की भावना लेकर के जो कुछ भी करेंगे सब पूजा है। स्वार्थ छोड़ दोगे तो भी जीवन निर्वाह होगा, खाने पीने को मिलेगा, और जितना चाहते उससे ज्यादा मिल जाएगा। स्वार्थी आदमी को कभी पूरा नहीं पड़ता, उसे तो जो भी मिल जाए कम कम कम। लोभी का कभी पेट भरा है क्या? और खिला करके देखो, बहुत खिलाने वाले मिलेंगे। तो प्रेम पाठ का चोलना पहर के बिरुनाज, साहब कहते हैं ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो, मतलब सब हर काम प्रेम पूर्वक करो हर काम। और जिसके जो आदमी जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े काम को प्रेम से समर्पित भाव से करता है, जिसके लिए हर काम पूजा बन जाता है, प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में ही चिंतन सद्भाव होता है, वही तो पंडित है ना। इसलिए कबीर साहब ने इसलिए तो कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो।
ये प्रेम के ढाईआखर को जो पढ़ता है ना वह पंडित हो गया। अब प्रेम कौन पढ़ेगा? जो निष्काम होगा, निरहंकार होगा, जितने अपने स्वार्थ और अहंकार पर संयम कर लिया होगा वो वही प्रेम पढ़ सकेगा। कोई कामना नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस सेवा का भाव होता है कामना छोड़ करके, स्वार्थ छोड़ अहंकार छोड़कर काम करो। और कबीर साहब जो बात कह रहे हैं कि अहंकार कामना छोड़ करके प्रेम का व्यवहार करो तो वो पंडित है, पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं होता। गीता में पूरी में कहा गया है पंडित कौन, तो बहुत बढ़िया बात आई हुई है। ये नहीं कहा कि अमुक जाति में जो व्यक्ति पैदा है वो पंडित है, जो पोथी पुराण कहता वो पंडित है, जो कथा भागवत कहता वो पंडित है, कुछ नहीं कहा गया। ऐसी व्याख्या दी गई पंडित की कि दुनिया का कोई भी आदमी, किसी मजहब का मानने वाला, किसी जाति का मानने वाला, कोई भी काम करने वाला आदमी पंडित हो सकता, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। वो क्या है? यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितं बुधा। जिसके सारे आरंभ, आरंभ मतलब कर्म, यहाँ आरंभ कर शुरुआत नहीं है, आरंभ और समारंभ संस्कृत में इसका अर्थ हो जाता है कर्म, व्यवहार, कार्य। जो सारे कर्मों को कैसे करता है? काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प मतलब कामना, चाहना, इच्छा। जो काम करता है, इच्छा चाहना छोड़ करके काम करता है, मतलब निष्काम होकर के काम करता है। और जब निष्काम होकर के काम कर रहा है, त्याग के मार्ग में चल रहा है, तो ज्ञान के आगे में उसके सारे कर्म जल गए, वह पंडित है। कहाँ पैदा हुआ, कि जाति में पैदा हुआ, कि स्त्री है कि पुरुष है, जवान है कि बूढ़ा है, साधु गृह से, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा जो होगा ना, उसके जीवन के सारे कर्म पूजामय हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में प्रेम ही उतर गया है, और जहां प्रेम उतर गया वहां तो कहना नहीं है। फिर साहब कहते हैं, पानी दिन हो तासु को तन मन बोले सांस। ये पूरी प्रकृति सत्ता उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है, उस व्यक्ति के जीवन को चमकदार बना देती है, प्रकाशित कर देती है, जो तन से सततापूर्ण व्यवहार करता है, वाणी से सततापूर्ण बातें बोलता है, और मन में जिसकी सततापूर्ण भावनाएं हैं, मतलब जिसके जीवन में तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा है, सत्य का ज्ञान है, सततापूर्ण भावना है, सततापूर्ण वाणी है, सततापूर्ण कर्म है, सत्य के रास्ते पर चलने वाला, पूरी प्रकृति उसका सहयोग करने लग जाती है। बस सत्य को हमें समझना है, सत्य के रास्ते पर चलने में कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि स्वार्थ है, झूठ से ज्यादा मोह है। लोग ये भी कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है। हकीकत क्या है? सच न कड़वा होता है न मीठा होता है, सच केवल सच होता है। फिर सच कड़वा क्यों लगता है? इसलिए कि झूठ के प्रति मोह है। झूठ जितना प्यारा लगेगा सच उतना कड़वा लगेगा, और जिस दिन झूठ कड़वा लगेगा ना उस दिन सच मीठा लगने लग जाएगा। लेकिन झूठ के लिए इतना मोह है झूठ के लिए, झूठ इतना मीठा हो गया है कि थोड़ी सी सच बात भी कड़वी लगने लग जाती है, जबकि सच कड़वा नहीं होता। और बीमारी दूर करना है ना तो कड़वी दवा ही खानी पड़ेगी, मीठी दवा काम नहीं आएगी, ये भी समझना होगा। तो सच सदगुरु कबीर अकेले
सत्य के रास्ते पर चले। कबीर का साथी कौन था? सच। कबीर का रास्ता क्या था? सच। मंजिल क्या थी? सच। साथी कौन थे? सच। समझ गए कबीर अकेले। और मैं बात कहता हूं, कुछ लोगों को कड़वी लग जाती है, लेकिन बात हकी यही है। आज से 550 साल पहले अकेले कबीर साहब इतना बड़ा काम कर सके, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आंदोलन से हो गया था। अकेले कबीर सबको लतार दिए थे, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सका। क्यों? उन्होंने केवल सच को पकड़ा था। आज से 550 साल पहले, जब इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, कहने सुनने के आने जाने के इतने साधन भी नहीं थे, तो आज से 550 साल पहले अकेले कबीर ने जो काम किया था, आज भारत के रहने वाले हजारों कबीरपंथी साधु और लाखों करोड़ों भगत सब मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम स्वार्थ में पड़ गए, अहंकार में पड़ गए, सच को छोड़ बैठे। हजारों साधु हैं कबीरपंथी और करोड़ों भगत है, क्या जितना अकेले कबीर ने किया था उतना काम हम कर पा रहे हैं क्या? क्या जगह पर अकेले कबीर ने जगह था पूरे भारत को, अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं? सोचने लायक बात है, कहां भूल हो रही है हमसे? कहीं हम कबीर के रास्ते को छोड़ तो नहीं बैठे? कहीं हम गद्दी से मोह तो नहीं कर बैठे? कबीर को गद्दी, कबीर साहब गद्दी चाहते तो इतनी ऊंची ऊंची गद्दी मिल जाती तो कहना क्या। धन दौलत चाहते तो करोड़ों करोड़ों मिल जाता। कहीं हम गद्दी के मोह तो नहीं, गद्दी के मोह में तो नहीं फंस गए? कहीं मान सम्मान के मोह में तो नहीं फंस गए? कहीं रुपये पैसे के लोभ में तो नहीं पड़ गए? कभी किसी को खुश करने चक्कर में तो नहीं पड़ गए? कबीर ये सब में बिल्कुल नहीं पड़े, इसलिए चमक गए। क्यों? सच के रास्ते पर चले। कबीर साहब जो बात कहते हैं ना, पानी दिन हो ताश को तन मन बोले सांस, ये प्रकृति सत्ता उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है जिसके तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है। ये पंक्ति कबीर पर ज्यों की त्यों उतरती है बिल्कुल। लेकिन हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम भीतर से हम कमजोर। क्यों? लोभ है, मोह है, पक्षपात है, स्वार्थ है, अहंकार है, पूजा प्रतिष्ठा की कामना है। कहां चल पाएंगे? ऋग्वेद में ही एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, मधुवाता ऋतायते मधु शरंति सिंधव माधवीरना संतोष धी। एक ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में लगभग 2000 से ज्यादा गायत्री मंत्र है। ये भी गायत्री मंत्र है, पहला मंत्र ही गायत्री मंत्र है ऋग्वेद का। इसका अर्थ क्या है? रित, नियम, न्याय, सत्य। प्रकृति के नियम को रीत कहा गया है, और नैतिकता का जो नियम है, सत्य का जो नियम है, न्याय है, उसको भी रीत कहा गया है। ऋषि कहते हैं जो सत्य के मार्ग में चलता है, नियम के रास्ते पर चलता है, उसके लिए मधुवाता हवाएं मधु बहाती हैं। मधुवाता रीताते मधु शरंति सिंधव, उसके लिए सिंधव नदियां मधु बहाती हैं। माधवीरना संतोष धी, उसके लिए औषधियां अर्थात वनस्पतियां मधु बरसाती है। मतलब जो न्याय नीति नियम सत्य के रास्ते पर चलता है, उसके लिए पूरी प्रकृति मधु मिठास अमृत की वर्षा करती है। ये केवल कहावत नहीं है, हकीकत है, सच। साहब ने क्या कहा? सांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, थोड़े थोड़े रुपये पैसे के लिए झूठ बोलने तैयार हैं। कहां से कबीर को समझ पाएंगे? कहां से अपने को समझ पाएंगे? कहां से हमें मुक्ति गति मिल पाएगी? जितना चल पाए उतना तो चलने की कोशिश करें, लेकिन हमने कोशिश करना ही छोड़ दिया।
ईश्वर की बड़ी भक्ति होती है, और जीवन भर जिंदगी भर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और सच क्या है? यदि कोई ईश्वर है तो क्या सच ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। धर्म क्या है? सत्य का रास्ता। पुण्य क्या है? सत्य का काम करना। यही तो है ना। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जहां राम ने कहा यह श्लोक वाल्मीकि रामायण में। प्रसंग वहां है कि जहां भरत मनाने गए हुए हैं चित्रकूट राम को लौटाने के लिए, अनेक लोग गए हुए हैं, उसी में बातचीत हो रही थी, कुछ लोग अनेक प्रकार तर्क दे रहे थे, तो उसी बीच में राम कहते हैं, सत्यमेव सर्वलोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। सत्यम एव ईश्वरो लोके, इस लोक में दुनिया में सत्य ही ईश्वर है, ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि ईश्वर सत्य है, क्या कहा? सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने भी यही कहा था, सत्य को छोड़ दो तो ईश्वर और क्या होगा फिर। लेकिन हमारा ईश्वर आकाश में, सत्य का रास्ता छोड़ दिए, ईश्वर को कारगर भेज दिए आकाश में, पुकारते रह जाएंगे जिंदगी भर, कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं है बाहर। ईश्वर पाना चाहते हैं तो चलना पड़ेगा सत्य के रास्ते पर, जितना चल पाते हैं उतनी कोशिश करें, बचेगा तो आगे आते हैं, अगले जन्म में चल लेंगे फिर। सत्यमेव सर्वलोके सत्य धर्म सदाश्रितः, सदा से धर्म सत्य पर ही टीका है। धर्म न दूसर सत्य समाना, मानस की चौपाई याद होगी। सत्य को छोड़कर धर्म और कुछ नहीं है। धर्म का आधार क्या है? सत्य। सत्य मूलानि सर्वानि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, उसकी जड़ क्या है, आधार क्या है? सत्य। सत्यानास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर के कोई परम पद, कोई मोक्ष पद नहीं है, कोई सत्य से बढ़कर के कोई और धाम नहीं है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही पुण्य है, और सत्य ही परम धाम है। विश्वास है? कहाँ विश्वास कर पाते हैं हम? इसीलिए तो बहुत कुछ करते हुए हम दुखी के दुखी रह जाते हैं। पानी दीन हो तास को तन मन बोले सांस, सदगुरु कबीर कहते हैं प्रकृति सत्ता उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है जिसके तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है। सब छूटे छूटे, सत्य न्याय ये न छूटने पाए। बस जिसके मोह में पड़कर हम सत्य और न्याय को छोड़ देते हैं, उनमें से एक भी अंत में काम नहीं आएगा, वो बाहर ही रह जाएंगे। और सत्य न्याय को धर्म को हमने पहले छोड़ दिया। यही है खुल करके नाचना, जितने साहब कहते हैं ना, होए निशंक मगन होए नाचो, वही है। बाहर क्षेत्र में प्रेम का व्यवहार करना, हर काम को प्रेम पूर्वक करना, और भीतर सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य को पकड़ लेना, ये खुल करके नाचना है। और कब होगा? जब अपने कर्म पर विश्वास होगा तब। लेकिन साहब कहते हैं तीन बातों को छोड़ना होगा, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, खुल करके तभी नाच पाओगे, मगन होकर के तभी नाच पाओगे जब लोभ मोह और भय भ्रम इन तीनों को छोड़ोगे। लोभ किसी का भी लोभ हो, खाने पीने का लोभ हो वहीं कमजोर हो जाएंगे, घूमने फिरने का लोभ हो वहां कमजोर हो जाएंगे, रुपये पैसे का लोभ हो वहाँ कमजोर हो जाएंगे, गद्दी महंती का लोभ हो वहाँ कमजोर हो जाएंगे, पूजा प्रतिष्ठा का लोभ हो वहाँ कमजोर। लोभ कहीं आया कमजोर हुए, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लोभ को पाप का बाप कहा है। काम वासना को पाप का बाप नहीं कहा, क्रोध को पाप का बाप नहीं कहा, लोभ को पाप का बाप कहा। क्योंकि लोभी आदमी हर काम कर सकता है,
और लोभ आदमी को कमजोर बना देता है। तो जब लोभ आ गया, मन में कमजोरी आ गई, तो खुल करके नाचेंगे कैसे। गुरुदेव जी को उदाहरण दिया करते थे, साथियों को याद होगा, एक बार एक युवती बहुत दिनों के बाद अपनी एक सहेली के यहां मिलने गई। सहेली ने देखा, बहुत खुश हो गई, बहुत दोनों बात गले मिली, बातचीत की। तो जिस सहेली के यहां गई थी मिलने के लिए, उसके यहां सूत के आटे बनाने का काम होता था। सूत आते थे, सूत को आटे बनाया जाता था, तब कपड़ा बुनने का काम आता है। तो रंग बिरंगे सूतों की आटियां बनी हुई थी, गड्डियां बनी हुई थी, वही काम वो कर रहे थे घर में बैठे हुए। दोनों मिले तो जिसके घर गई थी उसने कहा कि तुम बहुत दिनों बाद मिली हुई हो मुझको, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ जलपान लेकर आती हूँ। भीतर से जलपान लेने चली गई। ये गई थी, इसके मन में रंग बिरंगे सूतों की लच्छियों को देख कर, आंटी को देख करके लोभ आ गया। एक आंटी उठा करके रख लिया, और महिलाओं के ब्लाउज में तो जेब तो होता नहीं, कहाँ रखे। तो कहते हैं यहाँ ऐसे बगल में ऐसे दबा लिया। तो वह जब जलपान लेकर के आई तो देखती है एक आंटी गायब। वो तो गिन कर रखे रहे थे, एक आंटी गायब। तो अब दूसरा कोई आया नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति आता तो उठा कर ले जाता, ये तो सहेली बैठी है। अब सहेली से कैसे पूछे कि तुमने चुराया क्यों, बिहार गड़बड़ आ जाएगा, पूछ भी नहीं सकती है, जलपान हो गया, उसे तो अपनी आंटी चाहिए। तब कहती है कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, देखो जब ख्याल कर हम लोग घर में रहते थे तो समय समय से कैसे नाचते थे, डांस करते थे, बहुत दिनों बाद आए हैं ना, बहुत बार मिले, चलो आज भी हम लोग नाचते हैं। कहा ठीक है नाचे। अब नाचने में हाथ में पैर मटकाना पड़ता है ना, तो ऐसे हाथ ऐसे दबा कर नाचती थी। तो उसने सहेली ने कहा, अरे ऐसा क्यों नाचती हो, हमारे घर ऐसे नाचा जाता है, क्योंकि हाथ हाथ उठाएगी तो वो गिर जाएगी आंटी। ये एक उदाहरण है बात समझाने के लिए। तो लोभ कहीं भी आएगा, निस्संदेह नहीं हो सकते, खुल करके नाच नहीं सकते। लोभ कहाँ होता है, निर्जीव पदार्थों के लिए, रुपया पैसा हो, कपड़ा लत्ता हो, खाने पीने की चीज हो, जमीन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, गद्दी हो, महंती हो, जो भी है निर्जीव जड़, इसके लिए लोभ होता है। फिर मोह, मोह होता है जीवित प्राणियों के लिए, उसमें खास करके मनुष्यों के लिए, जो अनुकूल व्यवहार करते हैं। सेवा तो करना है, साथ साथ रहते हैं तो सेवा करना है, प्रेम देना है, बड़ा मानना छोटा मानना सब कुछ होगा, लेकिन मोह कहीं आएगा, किसी के लिए मोह बना, खुल करके नहीं नाच पाएंगे। क्योंकि एक के लिए जब मोह आ जाएगा ना, तो दूसरों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा ही होगा। जिसके लिए मोह हो जाएगा, उसे अधिक अधिक सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए, पिता दूसरे बेटे का हक मारेगा ही मारेगा। या अपने बेटे पर मोह है तो अन्य के बेटों का हक मारेगा, न्याय भूलेगा। तो मोह कमजोर करता है। राजा दशरथ के चार बेटे हैं, चारों बहुत योग्य है, किसी में हम ये नहीं कह सकते कि ये कम है कि ये ज्यादा है, सब बहुत योग्य हैं, एक से एक बढ़ करके हैं चारों भाई। लेकिन दशरथ को मोह क्या था, किनके पर था, राम के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है राम ज्यादा योग्य हैं मान लेते हैं, उनके लिए मोह था। इसीलिए चुपके से भरत की अनुपस्थिति में राम को राजगद्दी देना चाहा। और न्याय की बात क्या थी,
न्याय भूल गए दशरथ, अपनी शर्त भूल गए दशरथ। जब दशरथ ने कैकेयी से शादी की थी तो शादी के पहले कैकेयी के पिता से दशरथ ने कहा था कि मैं आपकी बेटी कैकेयी से शादी करना चाहता हूँ। दशरथ के कैकेयी के पिता ने कहा ठीक, अच्छी बात, मैं मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक शर्त है, और वो शर्त मानोगे तब कैकेयी शादी आपसे करूँगा। कहे कौन शर्त? ठीक है बताइए। तो कैकेयी के पिता ने कहा कि ये शर्त रखो, ये प्रतिज्ञा करो कि कैकेयी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा अयोध्या की गद्दी पर वही बैठेगा। दशरथ ने कहा मुझे स्वीकार, वाल्मीकि रामायण पढ़ कर देखना, गोस्वामी जी के मानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ही। तो दशरथ हारे हुए हैं कि कैकेयी का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, और भरत नाना के यहाँ अपने मामा के यहाँ गए हैं तब उनके अनुपस्थिति में राम को गद्दी देते हैं, और खुल करके कह देते हैं दशरथ वाल्मीकि रामायण में, जब तक भरत अयोध्या से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए, कहीं आगे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? मोह है ना राम के लिए। ठीक है, राम योग्य है, यदि भरत को बुला लिए होते दशरथ और कहते बेटा कि नियम के अनुसार से तो तुम मालिक हो गए हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी जगह राम को अयोध्या का गद्दी मिले, तो दशरथ भरत कभी इनकार नहीं करते, इसलिए तो मनाने गए थे ना, लेकिन नहीं पूछे ना। क्यों? मोह आ गया, कैकेयी से मोह हुआ तो वहां शर्त में बंध गए, राम से मोह हुआ तो यहां न्याय भूल गए, यही दशरथ की मृत्यु का कारण बना। तो मोह जहां भी आएगा, ये तो दशरथ के लिए होगा। रावण जैसा वेदों का विद्वान, वेद विद्यावर्धक स्नातः कहा गया है रावण को, चारों वेदों का प्रकांड पंडित है रावण, सूरवीर गुणवान बलवान, जैसे ही शूर्पणखा से सुना कि दंडकारण्य में अयोध्या के दो राजकुमार आए हुए हैं जिनके साथ एक युवती श्री सीता नाम की, अत्यंत सुंदरी है, सीता जैसी सुंदरी दुनिया में कोई स्त्री नहीं होगी, बस इतना सुनते दशरथ पागल, इतना सुंदर सुनते रावण पागल हो गया, अब कब सीता मुझे मिले। अब कितना षड्यंत्र किया, साधु वेद बनाकर साधु भी बदनाम कर दिया, अपना तो चुरा कर ले गए, बदनाम साधुओं को कर दिया। क्यों? मोह के कारण। और अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बराबर सुनते रहे धृष्टराष्ट्र, बराबर सुनते रहे कि दुर्योधन पांडवों का दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन मोह के कारण से मना नहीं कर पाए, परिणाम क्या हुआ? उन्हीं के सामने उनके सारे 100 बेटे मार डाले गए ना। ये बड़े बड़े लोगों को उदाहरण दिया जा रहा है, बाकी दुनिया में आप सब अच्छी तरह जानते हो। अब भ्रम आ जाएगा, भ्रम कमजोर करता है। भ्रम क्या है? जो चीज जैसी ना हो उसको वैसा मान लेना, जो जहां ना हो उसको वहां वहां मान लेना, ये भ्रम है। बाकी ये भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन ये भ्रम तो है ही, ये भ्रम तो आदमी को परेशान कर ही रहा है, किंतु ये दूसरा भ्रम कि हमारे सुख का आधार बाहर है, हमारे सुख का केंद्र बाहर है। कुछ लोग सुख खोजते हैं दुनिया की दुनियादारी रंग रंग मोह माया में, कुछ लोग खोते हैं सुख ऊपर आकाश में, ये भ्रम भटका रहा है आदमी को। जितना ये भ्रम होगा कि मेरे सुख का आधार मुझसे अलग, कमजोर हो जाएगा आदमी, फिर बाहर खोजेगा, भीतर की ओर यात्रा नहीं कर पाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं लोभ मोह और भ्रम इन तीनों को छोड़ करके खुल करके संसार में नाचो, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। पूरा जीवन जिन्होंने लोभ मोह भ्रम का त्याग कर दिया, बंधन कहाँ रह गया फिर उसके लिए? गलत काम किसके लिए करेगा? वो जो करेगा सेवा के लिए करेगा,
आत्मकल्याण के लिए ही करेगा, और जो अपना सब कुछ समाज को दे रहा है, अधिकार मानता ही नहीं है, निष्काम भाव से कर रहा है, उसके लिए पकड़ कहाँ रह गई? संदेह किसके लिए रह जाएगा कि मेरा ये छीन जाएगा? तो ये एक पंक्ति सदगुरु कबीर की, होय निःशंक मगन होय नाचो लोभ मोह भ्रम छाड़ो, हमारे लिए गाइडलाइन है। इस एक पंक्ति को हम जीवन में उतार लें ना, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसे जीते जी हम कल्याण का अनुभव कर लेंगे, और साथ साथ जो बन सकेगा हम दुनिया की सेवा भी कर सकेंगे। चिंतन करना है, मनन करना है, जीवन को ढंग से जीने का अभ्यास करना है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम,